नमस्कार। कोणार्क का सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर और पूरी नगर की रथ यात्रा से बच्चों तुम्हें कुछ याद आता है? ओडिशा। ओडिशा, कोई गया है ओडिशा? मैं पूरी गई थी। तुम गई थी पूरी, क्या क्या देखा तुमने पूरी में? जगन्नाथ जी का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, और कुछ देखा तुमने वहाँ? वहाँ की नृत्य शैली देखी थी। तो आज हम जिस नृत्य शैली के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं वो है ओडिसी। कौन सी नृत्य शैली? ओडिसी। और ओडिसी के बारे में जानकारी हमें दे रहे हैं सुविख्यात सुप्रसिद्ध गुरु रमणी रंजन जैना जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्ते। गुरु जी, ओडिसी नाम जो है वो कैसे पड़ा? ओडिसी हम जानते हैं कि एक नृत्य शैली है, लेकिन ओडिसी हाँ। नाम जो है वो कहाँ से आया? नहीं, ये तो हमारा जो उड्रम मगध पंचाली नाट्यशास्त्र में, जो नाट्य शास्त्र में है जी। उड्र कहने से उत्कल, उड़ीसा। अच्छा। दक्षिण में तो में देखने से वो तो भरतनाट्यम सब कुछ ये है, यहाँ ये साइड में आप देखने से तो आपको कथक मणिपुरी ये सब जी। मगर उड्र जो हम कहते हैं राज्य है हाँ, तो उसमें एक ही है वो उड़ीसी डांस। अच्छा, तो उड्र से ओडिसी। ओडिसी, और तब से ये प्रथा चली। प्रथा चली। उड़ीसा जब बना, जब बन गया उड़ीसा के नाम जब प्रचलित हो गया तो उसी से ओडिसी करके उनके नामकरण हुआ है। गुरुजी, ओडिसी के प्रशिक्षण से पहले कुछ ऐसी तैयारी तो होती होगी जिससे शरीर में कोमलता आए? हाँ, ऐसे हमारा है कुछ एक्सरसाइज है। अच्छा। जैसे हम लोग करने से ये सब जॉइंट्स जो है ये सब बहुत कोमलता हो जाते हैं, और ये आइटम करने के लिए बहुत मदद करते हैं। अच्छा, मतलब शरीर खुल जाता है। शरीर पूरा खुल जाता है जी। तो डांसर को ये बहुत तो अच्छा लगता है, एक्टिव जो ये और फायदा रहता है उसके लिए। वार्म अप। तो आ जाओ बेटा, एक दो तीन चार। कड़ तक दधि गिन दे, कड़ तक दधि गिन दे, कड़ तक दधि गिन ता आ थी ना तेरे किटे तक थी नीता 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 तीन ता ता करके दधि गिन ता आ थी ना तेरे किटे तक थी नीता 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 आ थी ना तीन दा ता कृत धरी के नीता आ थी ना तेरे किटे तक थी नीता आ थी ना
तेरे किटे तक के थी नी ता आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी ता आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी ता आ थी ना ती ता ता करके धरी गेंदे ता ऐसे एक्सरसाइज हम लोग। गुरुजी आप हमें ओडिसी के पद संचालन के बारे में कुछ बताइए ना। देखो पद संचालन भी बताएंगे और इसके साथ ये बख्या जो कैसे चल रहे हैं इसके साथ भी तुम दो करो, थोड़ा ट्राई करो, आ जाओ कभी मेरे बेटा के साथ तुम भी कर लो बेटा। हाँ और थोड़ा सा खुल जाओ, नहीं नहीं पीछे उधर थोड़ा छोटा करो बेटे। हाँ चलो कड़े तक धदी गिन दे, कड़े तक धदी गिन दे, कड़े तक धदी गिन ता आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी ता आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी ता आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी ता ते ना तेरे तक ता आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी ता आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी ता आ थी दे दे ना टी ना तेरे डबल ता आ आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी ता आ आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी दे दे ना टी ना तेरे तक के थी नी ता। गुरुजी अन्य शैलियों में भूमि प्रणाम तो होता ही है, तो क्या ओडिसी नृत्य शैली में भी भूमि प्रणाम है? जी हमारा वो वसु माता को पहले प्रणाम करते हैं और जब आके पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, इसके बाद जाके वसु माता को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेके फिर डांस हम जो शुरू करते हैं। हमारा सब धर्म में, हमारा हिंदू धर्म के तो ये नियम है, कुछ भी एक आघात भी करने से पहले टच करते अर्थ को, जी धरा को, धरा को, हाँ माथे पे लगाते। तो ये हमारा ये है, जब डांस कर रही हूँ उनको उनको माँ की तरफ हम जब मानते हैं तो उसको माँ जब हम इतना तुम्हारा पर नाचते हैं कूदते हैं ये करते हैं तो जो हमारा त्रुटि होता है तुम मुझे माफ़ी करना, इसलिए उसको पहले प्रणाम करते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे जी, भूमि प्रणाम देखते हैं। आ जाओ बेटी, भूमि प्रणाम कर रहे हैं हमारा उड़ीसी स्टाइल में। जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ। कड़ तक ददी गिन दे, कड़ तक ददी गिन दे, कड़ तक ददी गिन ता आ थी ना तेरे किटे तक के थी नी ता आ थी ना ती गा ता कट ददी गिन दे। भूमि प्रणाम के बाद जो प्रस्तुति आती है वो है मंगलाचरण, जिसमें हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। और आज का जो प्रस्तुति है हम लोग कर रहे हैं विघ्न विनायक जो गणेश जी के पर कर रहे हैं आज, और देवी देवता का पर्व होता है मगर आज का जो प्रस्तुति है इसमें हम गणपति के नमामि विघ्नराज तो कल्प वृक्षम स्थलति। नमामि विघ्नराज त्वं कल्पवृक्षं तल उमा पुत्रं महाकायं
दंतिकम् नृत्या कोविदम् तंडवा चिंतामणि नित्यं शुद्ध बुद्धि प्रदायकम् गुरुजी, क्या उड़ीसी की हस्त मुद्राएं कुछ अलग होती हैं? हाँ माँ, तुमको मालूम है बच्चे, पताको, त्रिपताको, अर्धपताको, कर्तरी मुख है बच्चे, ये सीखे हैं तुम? मयूरो, अर्धचंद्र, अराल, शुकदंड, ये हम एक इसके वजह से हमारा ऐसे कुछ है, इसको हम शुकचंच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? करो देखो कैसे, दिखाओ कैसे। हाँ, ये जो मिडिल फिंगर है ना माँ, उसको ऐसे रखो, ये देखो, शुकचंचुक क्या अर्थ होता है गुरुजी? ये तोता जो है ना माँ, तोता की तरह, और ये होता है ऊल, देखो उल्लू। अच्छा, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं गुरुजी? ये जो अभी आपने पहले तो तोते का दिखाया था, अब ये? अभी ये पेचकमुख। पेचकमुख, हाँ। इसमें हम जैसे कि इसने जी ऐसे रखे हैं, बांसुरी भी हम रख सकते अच्छा। हैं। और ये कैसे लगते हैं देखो, क्या कहते हैं इसको, कैसे तुमको लगते हैं? मोर है। हाँ देखो, ये अलग है ना, ऐसे दिखा थे मैंने कभी? हाँ अच्छा, ये कभी दिखा है? पुष्प कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज है, अलग होते हैं, मगर हम लोग शास्त्रतः सब लोग मानते हैं माँ। जैसे नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, ये सिर्फ एक ही डांस के लिए नहीं, एक ही फॉर्म के लिए नहीं, ये सब डांस सब फॉर्म के लिए है। जैसे भरतनाट्यम भी कर सकते, कुचिपुड़ी भी कर सकते, मणिपुरी भी कर सकते, जो सब कोई कर सकते, शास्त्र तो सबके लिए है ना माँ। तो उड़ीसी भी अभिनय दर्पण और नाट्य शास्त्र को फॉलो करते। गुरुजी, ओडिसी में हमने देखा है कि अभिनय का एक बहुत मुख्य अंग होता है, तो आप जरा हमें विस्तार से बताएंगे अभिनय पर? हाँ, ओडिसी में जो अभिनय होता है, हम गीत गोविंद के ऊपर लेते हैं, अष्टपदी जो गीत गोविंद है, और उड़िया गीत के ऊपर हम भी लेते हैं। और वो मैं आज तुमको एक उड़ीसा का जो जगन्नाथ जी के जनान, जिसको हम उनको भक्ति मार्ग में, ये पूरा भक्ति के ऊपर आधारित होता है जी। तो इसको आज मैं तुमको करके थोड़ा दिखाएंगे, कैसे हाथ के मुद्रा कैसे हम लोग यूज करते हैं, और कैसे मुंह का भाव कैसे करते हैं। मगर ये सब जितना चीज है सब भक्ति का ऊपर, कोई श्रृंगार रस का इसमें ये नहीं है। तो आज मैं उसको आप सबको करके दिखाएंगे। गुरुजी, थोड़ा सा आप उड़िया में बताएंगे किस तरह की स्तुति है आपकी? हाँ, जगन्नाथ किछी मागू नाही तते, धन मागू नाही, जन मागू नाही, मागुची श्रद्धा बालीरु हाते। जगन्नाथ किछी मागू नाही तते। समझ में आया बच्चों? गुरुजी कह रहे हैं ये जो रचना ये अभी करके दिखाने जा रहे हैं वो है जगन्नाथ की स्तुति है, और इसमें जो प्रार्थना करता है जगन्नाथ को, वो बताते हैं कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैं धन मांगता हूँ, ना संपत्ति मांगता हूँ, मांगता हूँ तो सिर्फ एक हाथ भर ज़मीन जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हो और फिर मेरा आपसे मिलन हो। ठीक है बच्चों? ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया। और एक लाइन लेंगे हम दूसरे जो है, आनो दर्शन नो लोड़े नयन, मेरा आनो आनो दर्शन
नौ लोड़े नयन, ये आंख और कुछ देखने के लिए नहीं चाहते, सिर्फ आपको देखना चाहते, सिर्फ आपको देखना।